वॉल सिटी ऑफ लाहौर में जगह जगह सदियों पुरानी तारीख और सकाफत के रंग बिखरे हुए मिलते हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड टू दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट अंदरून लाहौर का मशहूर तरीन गेट है। वैसे तो टोटल जो अंदरून लाहौर के गेट हैं वो 13 गेट्स हैं, जिसमें मोची गेट है, लोहारी गेट है, कश्मीरी गेट है, भाटी गेट है, शालम गेट है, और भी बहुत सारे हैं, बट दिस वन इज़ द मोस्ट फेमस। और हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा शाही हमाम, आएगा वहाँ पर चलेंगे, उसके बाद बाकी मेरे ख्याल से सुरजन सिंह गली आएगी, वहाँ चलेंगे, उसके बाद वजीर खान मस्जिद, फिर बाज़ार से होते हुए जो जो चीज़ हमारे रास्ते में आती जाएगी ना, हम सीक्वेंस को कवर करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट Today's trip. मैं इस वक्त शाही हमाम में मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 400 साल पुराना हमाम है, और इसकी तामीर 1634 में हुई थी और ये मुगलिया दौर में ही तामीर किया गया था। अच्छा, उस दौर का ये बेसिकली वाहिद अवामी हमाम था, यानी कि अवाम के लिए दिस इज़ द ओनली हमाम विच इज़ बीइंग ओपन एट दैट टाइम, और लोग यहाँ पे आते थे नहाने के लिए, गुसल लेने के लिए, ना सिर्फ इसलिए बल्कि कपड़े वगैरह धोने के लिए और सारी चीज़ों के लिए भी इस हमाम को इस्तेमाल किया जाता था। हमाम में एक बहुत बड़ा गुंबद भी मौजूद है, और उस गुंबद के एग्जैक्टली नीचे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, और इस गुंबद के गिर्द एक्चुअली कुछ रूम्स हैं, उनको गुस्ल के तौर पर उस दौर में इस्तेमाल किया जाता था। और क्या होता था कि जब तक ये रूम्स फ्री नहीं होते थे तो बाकी लोग जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते थे वो यहाँ आके बैठ जाते थे, और गुफ्त-ओ-शनीद के लिए भी एक्चुअली इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। और अगर आप इस जगह को वैसे देखें, इसके आर्किटेक्चर को देखें, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक गुस्ल खाना था, ये एक हमाम था, लेकिन इसके आर्किटेक्चर जैसे आप ये आइडिया कर सकते हैं कि इस जगह को ना सिर्फ गुसल के लिए बल्कि तफरी के लिए और गुफ्त-ओ-शनीद के लिए भी इस जगह को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया विच यू गाइस कुड सी, और मेरे इर्द गिर्द जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं वो गुसल खाने हैं उस दौर के। शाही हमाम को वज़ीर ख़ान हमाम भी कहा जाता है, और इस हमाम में आपको ठंडे पानी की सर्विसेज भी मिलती थी और गर्म पानी की सर्विसेज भी मिलती थी। अच्छा, ये एरिया जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ स्पेसिफ़िकली ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे आपको एक होज़ सा बना हुआ नज़र आएगा, तालाब सा बना हुआ नज़र आएगा, और ये जो तालाब था ये स्पेसिफ़िकली ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ से गुजर के गिर जाएँ बिल्कुल साथ ही आपको एक एरिया नज़र आएगा जो कि बाकायदा गर्म पानी के लिए इस्तेमाल होता था। तो किस तरह से पानी गर्म किया जाता था, हमाम को किस तरह से गर्म रखा जाता था, वो मैं आपको वहाँ चल के बताती हूँ। ये कमरा जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमाम के गर्म खाने का हिस्सा है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इस कमरे में बेसिकली एक तय खाना सा मौजूद है, और उसमें मुख्तलिफ तरह के आपको सुरंगें मिलती हैं। अच्छा, उनका पर्पज़ क्या है? बेसिकली जब पानी को गर्म किया जाता था अंगीठियों पर, और उसके बाद उसकी भाप निकलती थी उसको भी इस्तेमाल किया जाता था, और उसके अलावा जो अंगीठियों के लिए ईंधन यूज़ करते थे उससे जो धुआं बनता था उसको भी इस जगह को, इस पूरे कहले के हमाम को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या होता था कि वो सारा जो धुआं है वो सारा इकट्ठा हो जाता था इन सुरंगों में, और उसके अलावा कमरे में यहाँ पे मुख्तलिफ चिमनियाँ भी मौजूद थी,
उनमें भी वो इकट्ठा हो जाता था, और वहाँ पे इकट्ठे होने की वजह से ये जो कमरा है ये गर्म भी रहता था, अपेरेंटली भी गर्म रहता था, और इसका चूँकि तहखाना इस तरह से बनाया गया था तो क्या होता था कि जो कमरे का निचला हिस्सा है वो भी गर्म रहता था। तो बेसिकली ये जो स्पेसिफिक हिस्सा है ये गर्म पानी के लिए भी इस्तेमाल होता था, नहाने के लिए भी, गुस्ल लेने के लिए भी, और जनरली वैसे भी कमरे को गर्म रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अभी मैं हमाम के जिस एरिया में मौजूद हूँ यहाँ पे बेसिकली पानी को गर्म किया जाता था। पानी बेसिकली वाटर चैनल्स के थ्रू ऊपर से आता था और वहाँ से आके यहाँ पे पानी को गर्म करते थे और फिर यहाँ से कमरों में जाता था और फिर गुस्ल के लिए इस्तेमाल होता था। सो दिस इज़ अबाउट शाही हमाम विच आई हैव गिवन यू अ कम्प्लीट टूर अबाउट इट। और अभी जो है चूँकि यहाँ पर तो मैंने काफ़ी सारा टाइम गुजार लिया, आई एम गोना गो टू द अदर प्लेस, वहाँ पर चल के आपको कुछ और दिखाती हूँ।